दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन पे वीपीएन कनेक्ट करते हैं और वीपीएन कनेक्ट करके गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे अपने फोन पे वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो सक्सेसफुली कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप पबजी गेम में किसी अन्य गेम को ओपन करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में जो वीपीएन आप कनेक्ट करते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो को आप देखते रहे, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसा वीपीएन एप्लीकेशन देने वाला हूँ, उसी वीपीएन एप्लीकेशन को कनेक्ट करके गाइस जो आपकी प्रॉब्लम है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इसके लिए गाइस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करिएगा। तो चलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल का स्क्रीन आपको दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। बस एक छोटी सी सेटिंग कर लेंगे तो गाइस आपका वीपीएन कभी भी ऑटो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने फोन पे एक अच्छी सी वीपीएन ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक नहीं है, कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन जो उसमें से ज्यादातर मुझे बेस्ट लगता है वो है गाइस पावर VPN, एंड उसके बाद किक VPN भी अच्छा खासा एप्लीकेशन है, बट उसमें मुझे पिंग का प्रॉब्लम ज्यादा शो होता है। इसके लिए मैं आपको पावर VPN का रिकमेंड करूंगा, तो आप पावर VPN को इंस्टॉल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइस इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद फिर आपको करना क्या, आपको अपने फोन की सेटिंग पे चले जाना है। फोन की सेटिंग पे जाने के बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ से आपको नेटवर्क इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है या नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें क्लिक कर देना। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ से गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है VPN का, तो गाइस आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक कर देंगे तो गाइस आपके फोन पे जितने भी VPN के एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोन पे 5 VPN एप्लीकेशन जो कि मैंने इंस्टॉल किए हैं, और यहाँ पे गाइस मैं बात कर रहा हूँ पावर VPN। अब गाइस अगर पावर VPN को नहीं इंस्टॉल करना चाहते, आप किसी अन्य VPN ऐप को इंस्टॉल किए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपकी धीरज, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करिए, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपने जिस भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया होगा VPN की, तो आपको यहाँ पे उस VPN को सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट कैसे क्या करना है, आपको क्या करना है, जिस भी VPN को आप कनेक्ट करना चाहते हैं और वो VPN आपके फोन से ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं पावर VPN को यहाँ ले लेता हूँ। ओके गाइस, पावर VPN को लेने के बाद यहाँ से आपको राइट साइड में सेटिंग का लोगो दिखेंगे, सभी एप्लीकेशन के राइट साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जिस भी VPN को कनेक्ट करना है आप उसमें क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद फिर गाइस आप देखें कुछ इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से एलवेज ऑन VPN का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक कर देना। एंड जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो गाइस आपका VPN आपके फोन पे इंस्टॉल हो चुका है, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे आपको लोकेट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस तरह बहुत इजी तरीके से अपने फोन पे VPN को कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में नहीं चल रही होगी, ये फोन की सेटिंग के थ्रू आप अपने फोन पे VPN को कनेक्ट कर लिए हैं। जब तक आप यहाँ से इस VPN की सेटिंग को क्लोज नहीं करेंगे, तब तक आपके फोन से VPN डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आप इस बात को जरूर नोट करिएगा। तो गाइस ये ट्रिक करिए, बहुत ही औसम है, ऑटो डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम को आप एक ही क्लिक के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।